तीन दिवसीय दौरे पर बुधवार को अपने गृह जनपद पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम किया और तत्पश्चात गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाया। लंबे समय बाद लगे जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने करीब 150 लोगों की फरियाद सुनी और लोगों को भरोसा दिया कि उनकी समस्या का समाधान होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि हर मामले का निस्तारण सही तरीके से होना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले महीनों में मुख्यमंत्री गोरखपुर दौरे पर कई बार आए, पर कोरोना के कारण जनता दरबार नहीं लग रहा था। बुधवार को जिले के दौरे पर आए सीएम योगी ने रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार सुबह गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन किया, भ्रमण कर मंदिर की साफ सफाई की व्यवस्था देखी, मंदिर में हो रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। इसके बाद गौशाला पहुंचे और वहां गायों के बीच कुछ वक्त बिताया। वहां से निकलकर मुख्यमंत्री हिंदू सेवाश्रम पहुंचे और बारी बारी से करीब 150 लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिया। तो